गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता की। आज की वीडियो में हम आपको शुक्र प्रदोष व्रत के महत्व के विषय में जानकारी देंगे, साथ में सुमुहूर्त और पूजन विधान की भी जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने का पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं कि शुक्र प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य, स्त्री और समृद्ध, मतलब सभी प्रकार की समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान शंकर के सामने दाहिने हाथ में पुष्प, अक्षत, मिष्ठान, जल, दक्षिणा आदि लेकर संकल्प करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार निराहार या फलाहार व्रत रखें। सायंकाल सूर्योदय से एक घंटा पहले, यानी सायंकाल सूर्यास्त से एक घंटा पहले स्नान आदि करके सफेद कपड़े पहनकर पूजन स्थल को साफ करें। कुशासन या ऊन के आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके पंचोपचार, दशोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करें या आपके गुरु ने जो भी मंत्र दिया है उसका जप करें। शुक्र प्रदोष व्रत पूरे साल या 11 शुक्र प्रदोष व्रत करके उद्यापन करवा देना चाहिए। व्रत कथा इस प्रकार है। पुराने समय की बात है, एक नगर में 3 दोस्त रहते थे, एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण का कुमार, तीसरा एक धनी पुत्र था। तीनों दोस्त का विवाह हो गया था परंतु गौना नहीं आया था। एक दिन तीनों दोस्त स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, औरत बिना घर भूतों का डेरा होता है। धनवान के पुत्र ने सुना, तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने के लिए निश्चय किया। माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र डूबे हैं, ऐसे में बहू बेटी को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं होता है। इन धनवान का बेटा नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की कोशिश की गई मगर वह नहीं माना। माता पिता को मजबूर होकर कन्या की विदाई करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी चल दिए। रास्ते में एक जंगल पड़ता था, वहीं पर उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पति पत्नी को काफी चोटें भी आईं। थोड़ी देर में शाम ढल गई, चारों तरफ से अंधेरा हो गया। उसी बीच में डाकुओं का एक गिरोह भी आ गया। डाकुओं ने सारा धन और जेवर लूट लिए। दोनों रोते पीटते रहे। घर पहुंचे, वहां धनवान के बेटे को सर्प ने काट लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने बेटे की परीक्षा करके घोषणा कर दी कि 3 दिन में आपका बेटा मर जाएगा।
जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत आया और उसने उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा उसे वापस ससुराल ले जाओ। यह सारी परेशानी वहीं से आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करा लाया। यदि वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनी को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी, उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनी कुमार की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से सभी घोर संकट टल गए। 10 नवंबर शुक्रवार 2023 को शुक्र प्रदोष व्रत किया जाएगा। बोलो उमापति महादेव की जय।